जय भोले बाबा जी की। इसको बोलते हैं नॉर्मल कॉल। आप नेट पे किए जा रहे हो, नेटवर्क का दिक्कत है, बात नहीं हो रही थी। अच्छा जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मेरे को तो कह रहे आपको इसलिए कॉल किया था, मेरा कह रहे यात्रा परमिट नहीं हो रहा। मैं यात्रा तो बैंक में भी गई हूँ, दो तीन बैंक में गई हूँ, बोल रहे कि पे कह रहे बायोमेट्रिक खराब है, बायोमेट्रिक खराब है। क्या चार बैंक में गई तो बायोमेट्रिक खराब है बोलते। तो उनसे बोलो ना आप कि जब भी आपका बायोमेट्रिक ठीक होगा बता देना, मेरा नाम लिख लो, मैं आ जाऊंगी करवाने के लिए। और तो मेरे पे ऑनलाइन करने की कोशिश भी किया, ऑनलाइन तो सारे बुक हो जी हाँ, काफी लेट हो गए हैं, ऑनलाइन तो गया। सारे फुल हो गए हैं। हाँ जी, तो बैंक में ही ऑप्शन है, बैंक वाली को बोलिए आप कि बायोमेट्रिक जैसे ठीक होगा हम आपको नंबर दे दो आप हमें, हम आपको फोन करते रहेंगे और उस समय आगे करवा लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है और मैंने बोला तो था ये कि जम्मू कश्मीर बैंक में भी गई हूँ और दूसरा बैंक में भी गई हूँ, तो उन लोग बोलते हैं कि ये अभी तो पता नहीं है कब ठीक होगी। और देखिए इतने सारे पे कह रहे पड़ी हुई है, किसी का भी नहीं हो रहा। मैं दो बार गई देखिए, हूँ मेरी बैंक बात में। सुनिए, उनके पास फॉर्म फॉर्म पड़े हैं तो वो करेंगे हाँ तो जरूर, है ना, करेंगे तो जरूर, वो कभी भी करें चाहे। तो आप हाँ उनसे जी, नंबर वंबर ले लीजिए, अपना नंबर लिखवाइए, उनको बताइए कि हमें इस तारीख का परमिट चाहिए, तो जैसे ही आपका बायोमेट्रिक ठीक होगा बता देना, हमें अपना परमिट बनवाना है। ठीक है, हाँ जी, यही एक तरीका है, बाकी और तरीका तो है नहीं। बाकी ऑनलाइन में चेक करते रहिए, बाई चांस ऑनलाइन में फॉर्म आए, क्योंकि अभी ऑनलाइन में फॉर्म आए थे लेकिन आए थे 3, 4, 5 तारीख के, अभी 29, 30 के नहीं आए, तो क्या पता हो सकता है दोबारा आए। तो ऑनलाइन चेक करते रहिए आप, है ना, हाँ जी, तो ऑनलाइन मौका मिले तो ऑनलाइन कर लीजिएगा, नहीं तो बैंक में तो अपना बना के रखिए कि जैसे ही होगा बोलो मुझे करवाना है परमिट। ठीक है, ठीक ठीक है जी। है। और आपने उसमें यूट्यूब में डाला है गाड़ी का बुकिंग हो शुरू जी हाँ हो गया, हाँ जी मतलब एक कर सकते हैं, मतलब जाने का उसमें एलिपैड में जाके फिर वापसी पैदल आने के जी लिए हाँ जी हाँ जी, ये है। हेलीकॉप्टर का बुकिंग शुरू होगा तो आप जाने जाने का हेलीकॉप्टर का करा सकते हैं और वापस पैदल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये आपसे ये सलाह लेने चाहती हूँ कि अगर मैं आपके साथ जाऊं गाड़ी बुकिंग करके, मतलब मुझे अगर बालटाल से करूं या तो पहलगांव से करूं, हेलीपैड जहाँ से जो होता है वहां तक गाड़ी छोड़ देगा मुझे? देखिए गाड़ी तो नहीं, हम बस में जाएंगे, अगर बस में आप ड्रॉप ड्रॉप कर लेते हैं तो हाँ, बस आपको, कोई तो बस में, मतलब सिर्फ वहां तक छोड़ना है मुझे, फिर बाद में आने के टाइम में तो मैं आप लोग से बालटाल में मिलूंगी। अब मैं बोलूं सुनेंगे मेरी बात, हाँ जी, सुन रही हूँ, आलो जब बोलो। मैं ठीक बोलता हूं तो बीच में मत बोलिए ना, ठीक है। है जी, हाँ मैं कह रहा हूँ, जो हमारे दो रूट हैं, एक है आने जाने का, एक है जाने जाने का, आप बात कर रहे हैं जाने जाने की, तो जाने जाने के रूट में आपको गाड़ी जो है नून बेस कैंप जो है जहाँ पे सामान चेक होता है, पहले भी यात्रा कर चुके हैं ना आप, हाँ जी, जहाँ पे बसें खाली करते हैं सामान को चेक करते हैं, बसें वहीं छोड़ देंगी सबको, रात को सब लोग बेस कैंप में रुकेंगे, आप भी रुकेंगे, सुबह अगर आपका हेलीकॉप्टर का टिकट बुक होगा तो आप हेलीपैड पे जाके अपनी हवाई यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये जाने जाने का है। अगर आप आने जाने का लेते हैं तो आप हेलीकॉप्टर से जाके फिर नीचे बालटाल में बसें खड़ी होंगी उनमें बैठ सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ जी, अब आपको कौन सा चाहिए, जाने जाने का चाहिए या आने जाने का चाहिए? मुझे तो मतलब आने जाने के चाहिए। तो अब हेलीकॉप्टर में जाने के बाद भी तो कह रहे नॉर्मल कपड़े भी तो लेके जाना पड़ेगा, अब मैं कहाँ लॉकर ये कहाँ ढूंढूं, तो क्या ये करूँ? कोई बात नहीं जी, तो आप आने जाने कर लीजिए, भले आप हेलीकॉप्टर से चले जाना और उतरते समय आप 2 दिन में उतर जाना आराम से, आप पंचतरणी उतरेंगे ना हाँ तो, जी, हाँ तो पंचतरणी से, या तो आप, ये भी तो है बात कि आपको हेलीकॉप्टर मिलता है या नहीं मिलता है, पहला जी पॉइंट तो ये है।
दूसरा पॉइंट ये है कि हेलीकॉप्टर मिल भी जाएगा आपको तो सुबह का मिलेगा, दोपहर का मिलेगा, शाम का मिलेगा, ये भी पॉइंट है। अगर जिस जी दिन हम यात्रा शुरू कर रहे हैं 30 तारीख को, जी उस दिन आपको दोपहर का हेलीकॉप्टर मिला तो आपको उस दिन पंचतरणी में स्टे करना पड़ेगा, हाँ जी हम उस दिन शेषनाग में स्टे करेंगे, है ना। जी तो आपका एक आधा दिन फालतू होगा आपके पास, तो आप आराम आराम से अपना बाल टाल से उतर के अपना बस में आ जाना, ठीक है। हाँ जी और हाँ मैं भी आपसे वही वही पूछना चाहती हूँ। तो मैं वही बता तो रहा हूं आपको, जी गलत तो नहीं बता रहा हूं मैं कुछ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताइए, और बताइए। और तो मुझे कुछ नहीं है, ये वही बात कह रहे बताने पूछने के लिए मेरे आपको वॉइस भी भेजा, फिर मुझे लिखने तो नहीं आता, आपको पता ही है नहीं कि कोई वो बात नहीं, लिखने लगा कि भेजा आप वॉइस लिखने नोट आप भेजा। पूरा दो दो तीन तीन मिनट का भेजते हो सोच सोच के, तो मैं 3-3 मिनट के वॉइस नोट सुनूंगा तो मेरे पास इतना टाइम, आप खुद सोचो इतने यात्रियों से बात करना है। मैंने सबके लिए इसीलिए प्लेटफॉर्म यूट्यूब का बनाया हुआ है, यूट्यूब पे सारी जानकारी मिल रही है, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। फिर भी अब चलो कोई बात नहीं, भोले बाबा जी का आशीर्वाद है, जैसे ही समय मिलता है मैं कॉल उठाता भी हूँ और आप लोगों से बात भी करता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, तो बस का टिकट कब से शुरू हो गया? अब तो आप कह रहे थे मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, हाँ यूट्यूब पे वीडियो तो देखा कि तो, लेकिन मतलब पेमेंट कब से लेने शुरू करेंगे? आपने बोला था ना पेमेंट के लिए मैं पेमेंट के भी बताऊंगा। डाल दिया है वीडियो पेमेंट का भी उसके बाद। अच्छा हाँ कल से पेमेंट लेनी शुरू कर दी है, और वीडियो देख लेना पहले फिर पेमेंट करना, और परमिट बन जाए जब भी पेमेंट करना, पता चला पेमेंट कर दी परमिट नहीं बना या हेलीकॉप्टर का टिकट नहीं बना तो फिर पैसे वापस नहीं होंगे। नहीं, मैं पहले तो अब परमिट तो बनेगा कि नहीं बनेगा मैं सोच रही हूँ, हेलीकॉप्टर का ही टिकट बना लूँ लेकिन तो। हेलीकॉप्टर का दीदी, हाँ हेलीकॉप्टर का टिकट शुरू शुरू में मतलब खुलते ही आपको बुक करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू हाँ शुरू में खुल गया हेलीकॉप्टर का टिकट भी, खुल गया कल मैंने देखी हूँ, खुल गया। मैं आज कल में मैं या किसी को बोल के वो करवाने लगाऊंगी, खुल गया हेलीकॉप्टर का टिकट भी। किसने बोला आपको खुल गया? कल यूट्यूब में सुना तो था, यूट्यूब में डाला तो था। मैंने नहीं, आपने नहीं डाला वो तो, हाँ तो, किसी लिए कह तो किसी, रहे मेरी बात टिकट का सुनिए सारे, दीदी, टिकट में क्या क्या मेरी बात करना तो है वो ये सुनिए। सारे बता के डाला है। हाँ हाँ वो डालने वाले कुछ और हैं, ऐसे सबका वीडियो देखोगे तो कहीं और ही पहुंच जाओगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको नहीं रोक सकता हूँ कि आप किसी का वीडियो मत देखो, अब किसने डाला है क्या डाला है भगवान जानते हैं तो, पर अभी हेलीकॉप्टर का बुकिंग नहीं खुला है। अच्छा अभी नहीं खुला? पता नहीं, आप वही तो कह रहा हूँ, आप एक चैनल देख लो ना जो जो देख रहे हो, है ना, सब पे देखोगे तो कोई अपने व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी डाल देगा तो आपको फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। अच्छा मैंने नहीं डाउनलोड करके रखा है, वो मैं आपको भेज दूंगी। जी मुझे मत भेजना, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं बिल्कुल, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे यूट्यूबर के वीडियो देखता रहूँ। हाँ पर मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपको सही जानकारी दे दूँ, वो आपका फैसला है, आपको किससे जानकारी लेनी है कैसे जानकारी लेनी है। नहीं वो तो कह रहे थे साइन बोर्ड की तरफ से बता रहे थे। अच्छा अभी पता है आपको शाइन बोर्ड के लोगो लगा के लोग व्हाट्सएप पे पैकेज भी दे रहे हैं, शाइन अच्छा बोर्ड का लोगो लगा के, मेरे पास एक हमारे प्रभाकर जी हैं बेंगलोर से, जी उन्होंने भेजा है वोट मुझे कि शाइन बोर्ड का लोगो लगा हुआ और वो पैकेज दे रहे हैं कि हम शाइन बोर्ड की तरफ से पैकेज दे रहे हैं। अच्छा काफी लोग फंसेंगे, करोड़ों रुपए वो कमाएंगे, लोग बाद में रोते रहेंगे, पर लोग भी तो बड़े समझदार है, लोगों का कितना जाएगा, किसी का 10,000 किसी का 5,000, वो 4 महीने 2 महीने बाद भूल जाएंगे, जी जिसने कमाना है वो तो कमा ही लेगा ना। अब पैसा आपको है देखना है कि सही पैसा कैसे खर्चना है कैसे करना है, तो अभी कोई टिकट नहीं खुला है। अगर आपको लगता है टिकट खुल गया तो कैफे में जाओ, पूछो कैफे वाले से टिकट बुक कर दो, वो बता देगा नहीं खुला है अभी, है ना। ठीक ऐसे चक्कर में मत है पड़ो, कोशिश करो कि परमिट बनवा लो, भले ही 1-2 दिन आगे पीछे का बनवा लो, वहां जाके रिक्वेस्ट कर लेंगे, है ना, वहां जी जाके बोल देना कि मुझे नहीं मिला रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। या बैंक वाला ऑप्शन आपके पास सबसे बढ़िया है, जो बैंक में अभी बायोमेट्रिक शुरू ही नहीं हुआ है तो उनके पास तो हाँ सारे परमिट पड़े हैं, तो वहां जाके बनवा लो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ कोशिश कोशिश भी तो। करनी है और दिमाग को कंट्रोल में भी रखना है, सबकी वीडियो नहीं देखने हैं, नहीं तो अभी हेलीकॉप्टर का टिकट बुक भी करा देगा कोई, फोन के ऊपर आपसे पेमेंट भी ले लेगा और आप चले भी जाओगे, कि जब वहां पहुंचोगे ना तो टिकट तो हाँ दिखाओगे, जी आपको कहेंगे डुप्लीकेट है ये, क्योंकि तो टिकट का तो प्रिंट आउट ही होता है ना। हाँ जी तो मैं भी भेज दूंगा अभी टिकट बना के आपको व्हाट्सएप पे, ऐसे ही एक ही टिकट को 50 लोगों को भेज दूंगा, पिछले साल के टिकट को नाम चेंज करके एडिटिंग करके, और कितना पैसा कमा लूंगा मैं भी।
वो ये ना भगवान से डर लगता है हमें, इसलिए हम गलत काम नहीं करते हैं। तो इसलिए हम आपको भी सलाह दे रहे हैं कि ऐसा काम करो जिसमें आपको परेशानी ना हो, क्योंकि गलत करने वाले से ज्यादा गलत वो होता है जो उसको सहयोग कर रहा है गलत करने में। ठीक है जी? ठीक है जी, ठीक ठीक है जी, है, मैं अभी तो ठीक है, आपने बता दिया, थैंक यू। अभी मैं कोई भी टिकट नहीं कर रही हूँ, हाँ। मैं जैसे ही कोशिश टिकट करूंगी। खुले, हाँ जैसे ही टिकट खुले तो किसी को समझदार आदमी को बोलना जिन पे विश्वास हो कि मुझे हेलीकॉप्टर का टिकट 3 तारीख का चाहिए या 4 तारीख का या 30 तारीख का, तो वो लेना। नहीं तो बैंक वाला बढ़िया ऑप्शन है, बैंक में परमिट बनवा लीजिए। आप तो पैदल यात्रा कर सकते हैं तो पैदल यात्रा करने की कोशिश कीजिए, तो बैंक में परमिट बन रहा है तो बैंक में बनवा लीजिए। ठीक है जी? ठीक है, मैं अब पैदल यात्रा तो अब आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ एक कर तो रही हूँ, आपको तो हाँ पता है। जी बिल्कुल, तो वही कह रहा हूँ, बैंक वाला ऑप्शन अच्छा है, ठीक बैंक में करवा लीजिए। ठीक है? है, मैं फिर भी कोशिश करूंगी बैंक में बनवाने के, अगर नहीं बना तो फिर एक बार आप जैसे टिकट खुलेगा तो मुझे बता देंगे। नहीं जी मैं बिल्कुल हाँ नहीं भरता हूँ, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, मैं यूट्यूब में क्योंकि वीडियो बना के डाल दीजिए, मैं देखती हूँ आपसे जो पहले भी भी काफी टाइम। वक्त बोल चुके हैं, तो मैं किस हाँ चीज को फोन कर पाऊंगा उस टाइम पे ना। हाँ जी, मुझसे मेरे पास आज की डेट में इतना टाइम नहीं कि मैं यात्रियों को यात्री नंबर दे पाऊँ, बेचारे यात्री परेशान हो रहे हैं, है ना। समय की बात है, भोले बाबा जी की दया से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी निपट जाए सबके काम। ठीक है? ठीक ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय भोले बाबा जी की। है, जय भोले बाबा जी।